हमारे साथ एक और कॉलर हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे हजरत वाले से ये पूछना है कि हजरत जैसे कुछ इस्लामी ममालिक अगर ये भाप जाए कि अक्वामे मुत्तहिदा जो है वो इखलास की बेस पे फैसला नहीं कर रहा है और वो अपनी तरह से अपनी तरफ से पूरा फेयर जजमेंट नहीं पास कर रहा है और सिंसियरिटी की बेस पे वो फैसले नहीं कर रहा है और वो ममालिक जो है वो मेंबर भी हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के यानी यूएनओ के, तो क्या इन इदारों सॉरी इन ममालिक को ये हक होता है कि वो बायकॉट कर दें यूएनओ का और अपनी बात मरवाने के लिए या उन पर प्रेशर करने के लिए कि आप जो है वो एक जस्टिफाइड वे में फैसले सादिर करें ना कि लॉबी के तहत आके लॉबिंग के तहत आके इम्पार्शल हो जाएं, तो इसके बारे में जरा वजाहत फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया जी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ये बायकॉट वाली सियासत हम यूनाइटेड नेशंस में कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा पॉइंट और बल्कि अगला सवाल तो मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनके बाद जो कॉलर आएंगे वो ये भी पूछेंगे कि वहाँ कंटेनर रख के धरना दे सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बात, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। बिल्कुल आप जो यूएनओ की सिंसेरिटी पर अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि यार ये सिंसेर नहीं है कोई गड़बड़ है तो फिर आप बिल्कुल यूनाइट होकर बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जो भी तरीके आइन और कानून के दायरे में और यूएनओ के क्राइटेरिया में जो जो तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए वो करें। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको नया यूएनओ बनाने का ना सोचें, इसी यूएनओ में आप एक हों, इस यूएनओ में एक हों और आप प्रोटेस्ट करें, आप बाइकाट करें, सोशल बाइकाट करें और दूसरा पोलिटिकल बाइकाट करें और उसके बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, ये बिल्कुल करें, उससे उनको प्रेशर पड़ेगा। और जाहिर है कि आपको पता होगा कि यूएनओ के अंदर खुद ये पूरे तरीके लिखे होंगे कि अगर डिसीजन नहीं हो रहा इतने अरसे में तो आप क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है क्या कर, जिसका मैंने एक मिसाल ये भी दी कि यूएनओ के ऊपर आप वर्ल्ड कोर्ट में केस करें, यूएनओ में केस डालें, वर्ल्ड कोर्ट में केस डालें यूएनओ के खिलाफ कि जी कई दर्जन जो है वो करारदादे कश्मीर की पास हो चुकी हैं और अभी तक यूएनओ ने वहाँ कर्फ्यू नहीं हटाया, इवन यूएनओ ने रेड क्रॉस वहीं भेजी नदिया के दवाएँ और गजाएँ नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, घरों के अंदर दफना रहे हैं, तो ये वर्ल्ड कोर्ट में अगर केस डालें तो वो कोर्ट नोटिस भेजेगी यूएनओ के जिम्मेदारों को, तो हो सकता है हलचल बिछेगी। तो मैं बिल्कुल तो प्रेशराइज करने के कोई भी तरीके, यही वजह कि इस्लाम में भूख हड़ताल की इजाज़त है, भूख हड़ताल की इसलिए फुका ने दी है कि भूख हड़ताल करने से अगर प्रेशराइज होती सामने वाली मुखालिफ पार्टी तो बिल्कुल भूख हड़ताल आपको करने की इजाज़त है। हालांकि भूख हड़ताल करना अपने आप को खुदकशी वाली बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भूख हड़ताल से हमारे जो जायज़ बकासे पूरे हो सकते हैं, आप भूख हड़ताल का बिल्कुल भूख हड़ताल कर सकते हैं और किसी भी किस्म की जो है बायकॉट करने की आपको इजाज़त है और ये करना चाहिए। उसके बाद हो सकता है यूएनओ मैं जागेगा, हो सकता है फिर आपके हक़ पर कोई फैसले होने लगे।